जब आप इंस्टाग्राम पर अपना पासवर्ड चेंज करने आते हैं और इस तरीके से आपके सामने एरर आता है, योर ओल्ड पासवर्ड वॉज एंटर्ड इनकरेक्टली, प्लीज़ एंटर इट अगेन। सो अब ये आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका क्या हम यहाँ पर बात करें, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने जो यहाँ पर जो अपना ओल्ड पासवर्ड, यानी जो ओल्ड अभी हुआ नहीं है लेकिन अभी जो आप पासवर्ड अभी यूज़ कर रहे हैं वो आपने रॉन्ग डाला है, इनकरेक्ट डाला है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि आपने सही पासवर्ड डाला हो और फिर भी आपका पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से जब आप सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ से सिक्योरिटी के ऑप्शन में जब आते हैं अपना यहाँ पर बात करें पासवर्ड चेंज करने, यहाँ से तो यहाँ पर आप आपके सामने ऑप्शन आता है फर्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं करंट पासवर्ड का, यानी जो अभी का आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ डालना है। फिर आप यहाँ से नया पासवर्ड डाल सकते हैं और फिर आपको एक बार फिर नया पासवर्ड डालना होगा। कम से कम जो है आपका पासवर्ड में होने चाहिए 6 कैरेक्टर्स कम से कम, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर आप सही पासवर्ड भी डाल रहे हैं और फिर भी आपके नया पासवर्ड सेट नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपने जो अपना अभी का पासवर्ड है वो डाल दिया है, फिर यहाँ से जो नया पासवर्ड सेट करना है वो भी डाल दिया है और एकदम सही डिटेल्स डाली है, लेकिन फिर भी ये आ गया है। तो यहाँ से इस यहाँ पर बात करें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगॉट योर पासवर्ड का, आपको इस पर जाना है। और इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ से एक यहाँ पर बात करें ईमेल सेंड होगा आपके ईमेल पर, ठीक है, और जिससे कि आप अपने पासवर्ड को जो है यहाँ पर बात करें रीसेट कर पाएंगे बिना ओल्ड पासवर्ड डाले हुए, यानी जो आपका पासवर्ड अभी का है वो डाले बिना आप अपने नए पासवर्ड को सेट कर पाएंगे। इस तरीके से जो लिंक सेंड होगा ईमेल पर वो आपके लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जो ईमेल लिंक है उसके साथ उस पर आएगा और फिर आपका जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा, तो आपको फिर से नए पासवर्ड के साथ जो है लॉगिन करना है। और यहाँ से ये देख सकते हैं लॉगिन हो जाएगा। और अब जब हम वापस आते हैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने, तो यहाँ पर ये जब हम अभी जो हमने नया पासवर्ड सेट किया है वो यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर हम चेंज करने आते हैं तो पासवर्ड